हेलो फ्रेंड्स, क्लासिक एरिस में स्वागत। तो आज हम सीखेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस में कैसे हेयर कटिंग करते हैं पैंटोन से, सिंपल मेथड। तो पहले हम बेटा फोटोसिंथेसिस को ओपन कर लेते हैं। तो पहले हम फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये फाइल में जाके ओपन दबा के फोटो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं फोटो सिलेक्ट करके पहले से रखा, कंट्रोल प्लस दबाने से जूम होता है और माइनस दबाने से जूम आउट हो जाता है। तो पहले हम ये वाला जो है, ये पेन टूल है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो बोर्ड, ये बॉर्डर के साइड में हम सिलेक्ट करते रहेंगे। जितना जूम करके करेंगे उतना क्लियरली कट होगा। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। बैक करने से, मतलब बैक करेंगे कैसे, कंट्रोल और जेड दबाने से बैक होता है। और बाल जो है, बाल का हिस्सा जो है उसका कटिंग करने के लिए इसको थोड़ा गैप में हम कटिंग करेंगे पेन टूल से, इस तरह। थोड़ा गैप गैप से वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो मैं इसीलिए पूरा पूरा सिलेक्शन कर लिया। तो सिलेक्शन करने के बाद जहाँ से हम पेन टूल से स्टार्ट किया था वहाँ में एंड करेंगे। ये जो लास्ट था वहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद जूम आउट कर लेंगे, कंट्रोल माइनस दबा के और राइट क्लिक करेंगे माउस में, और ये जो है ना मैक सिलेक्शन, इसको दबाएंगे। ओके, ये हो गया सिलेक्शन हमारा। सिलेक्शन होने के बाद अभी हम ये जो बाल है इसको परफेक्टली कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो पहले हम इसके लिए सिलेक्ट में जाएंगे, उसके बाद शिफ्ट और ये जो है सिलेक्ट मास्क, इसको दबाएंगे, दोनों साथ में दबाएंगे। सॉरी, मेरा मतलब शिफ्ट दबाने का भूल गया। हाँ, तो अभी सिलेक्ट जाएंगे, सिलेक्ट के बाद सिलेक्ट एंड मास्क जो है इसको शिफ्ट पहले दबाएंगे और ये थोड़ा से ये आ जाएगा। ये जो है जूम करेंगे हम इधर से, इसमें जूम होता है। ये है ब्रश, ये ब्रश में जाके हम ये वाला नहीं, इरेजर नहीं, ये साइड वाला जो बटन है इसमें दबाकर हम ये वाला, ये जो प्लस है ना, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। उसके बाद ये जो वाइट दिख रहा है ना, सफेद दिख रहा है, इसके चारों तरफ बस पेंट करना है। देखो देखो कितना क्लियरली हो
हो रहा है। बाकी रहेगा थोड़ा जूम करेंगे, जूम करके देखेंगे ये जो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। बढ़िया, पूरा अच्छे से कट हो गया है, तो अब हम ओके दबाएंगे। हो गया सिलेक्ट, उसके बाद हम ये जो है ना सिंबल, इसके ऊपर दबाएंगे। क्लियरली कट हो गया, देखो क्लियरली कट हो गया। बट अभी ये थोड़ा थोड़ा लाइट है, इसको डिप करेंगे कैसे, सिंपल सा मेथड है। राइट क्लिक करेंगे, डबल लेयर, देखो हो गया। और भी थोड़ा डार्क करने के लिए और एक लेयर करेंगे, डुप्लीकेट लेयर, पूरा डिप हो गया। और ये तीनों को मर्ज कर देंगे हम, राइट क्लिक करेंगे, पूरा क्लियरली कट। देखो अभी इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं, ये क्लियर क्रिएट कर लिया हम और इसके नीचे डाल दिया। तो इसके बाद हम इसके पीछे बैकग्राउंड डालेंगे, फाइल में जाके ये जो है इसमें प्लेस करवाएंगे। लेफ्ट क्लिक करके मैं एक कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ जैसे आपको दिखाने के लिए। हो गया, देखो कितना क्लियरली है, क्लियर कट हुआ है। देखो पूरा जूम करके आप दिखा देता हूँ, देखो पूरा क्लियर कट है, पूरा का पूरा बाल क्लियर है, पूरा क्लियर कटिंग हुआ है, देख सकते हो। साफ मतलब पेन टूल से करने से पूरा साफ कटिंग होता है। और ये जो मैंने आपको दिखाया हेयर कटिंग, ये पूरा सिंपल से हो जाएगा, कोई सा भी टेंशन नहीं। उसके बाद आप मर्ज कर सकते हैं, वो राइट क्लिक कर दबाएंगे, मर्ज हो गया आपका पिक रेडी। डायरेक्ट फाइल में जाएंगे, सेव कर देंगे। आप जिस जहाँ पे रखना है तो ये PSD फाइल में, ये JPG फाइल में करते हैं, वहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना लेटेस्ट एडिटिंग एंड ट्रिक्स जानने के लिए। टाटा।